फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इट इज इम्पेरेटिव दैट क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इट इज इम्पेरेटिव दैट को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इट इज इम्पेरेटिव दैट मीन्स जरूरी है कि, जैसे अगर आपको कहना हो कि समय पर आना जरूरी है तो आप कहेंगे इट इज इम्पेरेटिव टू कम ऑन टाइम, यानी समय पर आना जरूरी है। फ्रेंड्स, कई बार इट इज इम्पेरेटिव के बाद आप दैट और कई बार आप टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करा दूं कि कब आप दैट का इस्तेमाल करेंगे और कब आप टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सेंटेंस कुछ ऐसा रहे कि जरूरी है कि, तो आप यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब आपके सेंटेंस में लिखा हो कि तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस ऐसे रहे समय पर आना जरूरी है यानी यहाँ पर कि नहीं आया है, तो आप दैट की जगह पर टू का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि इट इज इम्पेरेटिव टू मीन्स जरूरी है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। जरूरी है कि आप लोग अपने जिम्मेदारी को समझें। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज इम्पेरेटिव दैट यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जरूरी है कि के लिए मैंने लिखा इट इज इम्पेरेटिव दैट उसे यहाँ बुलाना जरूरी था, तो आप कहेंगे इट वॉज इम्पेरेटिव टू कॉल हिम हियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक इट इज इम्पेरेटिव दैट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जरूरी है कि आप लोग गरीबों की मदद करें। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज इम्पेरेटिव दैट यू हेल्प द पुअर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जरूरी है कि के लिए मैंने बोला इट इज इम्पेरेटिव दैट जरूरी है कि तुम माफी मांग लो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज इम्पेरेटिव दैट यू अपोलोजाइज। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि के लिए मैंने लिखा इट इज इम्पेरेटिव दैट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि हियर और लिसन में फर्क बताना जरूरी है, तो आप कहेंगे इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन हियर एंड लिसन। तो फ्रेंड्स, यहाँ इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्राइब का मतलब हुआ कि डिस्क्राइब करना जरूरी है या बताना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक इट इज इम्पेरेटिव दैट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।